नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आपके अपने ज्योति किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में कुछ नया सा चटपटा सा खाने को मिल जाए तो क्या बात है। आज मैं एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। इसे खाकर आप कचौड़ी, समोसे, पकौड़े खाना भूल जाएंगे। आप इसे सफर में ले जा सकते हैं और चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने बॉइल नहीं किया, स्टीम देकर बनाया है। ये मक्के के वाफले हैं, बिल्कुल खिले खिले, सॉफ्ट, बनाने में बहुत ही आसानी, चटपट बन जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं हेल्दी टेस्टी वाफले बनाना। ये 1.5 कप मैंने मक्के का आटा लिया है। ये मोटा होता है थोड़ा सा, सुपरमार्केट में आसानी के साथ मिलता है। मेजरमेंट का ध्यान रखें जिससे वाफले खिले खिले और सॉफ्ट बनेंगे। 1/2 कप मैंने चपाती वाला आटा लिया है। आटा डालने से बाइंडिंग आती है और खिला खिले और सॉफ्ट बनेंगे। अजवाइन डालेंगे क्रश करके, अजवाइन से बहुत अच्छी तरह पच जाता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी से बहुत बढ़िया कलर आएगा। फ्रेंड, हल्दी ज़रूर डालें। मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान रखें जिससे वाफले एकदम परफेक्ट बनेंगे। सफ़ेद वाले तिल डालें, देखने में लुक बढ़िया आएगा तिल से। आपके पास काले वाले हो तो वो भी डाल सकते हैं फ्रेंड, इससे क्रंची टेस्ट आता है। हींग का पानी डाला है मैंने, आप चाहे तो पिसा हुआ हींग भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी डालेंगे, हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और कसूरी मेथी से बहुत बढ़िया। मटर डाले फ्रोजन वाले, ये ज़रूर डालें, इससे क्रंची टेस्ट आता है, एकदम अलग सा स्वाद आएगा। हरा धनिया, मीठा वाला सोडा डाला है 1/4 टीस्पून। मेल्ट करके घी डाला है देसी वाला, आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं, पर घी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। नमक स्वाद अनुसार, ये सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, बहुत ही बढ़िया मक्के के वाफले बनते हैं। आप कचौड़ी, समोसे, पकोड़े खाना भूल जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल अलग सी रेसिपी है ये, इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने गर्म पानी लिया है, गर्म पानी उतना ही ले जिससे हाथों में चुभे नहीं। अच्छी तरह मसल मसल के इसे भून देंगे। जितने चिकने होंगे उतने वाफले बहुत ही बढ़िया बनेंगे। कुछ भी बनाए आप मक्के का, पर इसे अच्छी तरह गूंदे जरूर आटे को। और ये इडली मेकर में बना रही हूँ फ्रेंड। थोड़ा सा घी लगा लेंगे या तेल लगा लें जिससे ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह रेस्ट हो चुका है। ये आप पानी पी लिया इसने अच्छी तरह। अब इसे मस लेंगे अच्छी तरह जिससे चिकना हो जाएगा। वाफले जितने बढ़िया बनेंगे, छोटे छोटे वाफले बनाएंगे क्योंकि फूल कर ये डबल हो जाते हैं, देने में भी अच्छे लगेंगे। ज़्यादा बड़े वाफले खाए भी नहीं जाते फ्रेंड, इसलिए मीडियम आकार के बनाएं। देखिए कितना बढ़िया लुक आएगा, मटर से, कसूरी मेथी से, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। सभी को मैंने बना लिया, ऊपर से थोड़ा घी लगा देंगे। ये देखिए, अब इडली मेकर में रखेंगे। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसे अच्छी तरह 10-12 मिनट के लिए पका लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे बने, इतने डबल हो जाते हैं फूल कर। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। नए तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए, ओह कितने सुंदर बने, डबल हो गए फूल कर। टूथ पिक से बताती हूँ आपको, बिल्कुल चिपके नहीं है। देखिए अच्छी तरह पक चुका है मक्के का आटा बिल्कुल। आप इसे ठंडा होने देंगे, आप एक बार ज़रूर बनाएं। आप पिकनिक में जाते तो ये बनाकर ले जाएं, बहुत ही बढ़िया लगेंगे चाय के साथ गर्मा गर्म। वो उनको गर्म होने के लिए रख दिया था, आप इसे सेक लेंगे। आप बिना घी के भी इसे खा सकते हैं। ये 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह कुक कर लेंगे। वैसे तो ये पके पकाए हैं जिससे कलर बढ़िया आ जाएगा। आपने राजस्थानी वाफले, इंदौरी वाफले तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस बार इस तरीके से बनाकर देखें, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। देखिए अब मैं पलट कर बताती हूँ, देखिए कितना बढ़िया कलर आया, फूले भी है बहुत, कितने सॉफ्ट बने, कितना क्रेक भी आए इसमें अच्छी तरह। ये देखें, ये क्रेक पड़े हैं ना जिससे बहुत बढ़िया बने, ये इसकी निशानी होती है फ्रेंड। क्रेक पड़ने से अच्छी तरह पके हुए रहते हैं, सॉफ्ट और खिले खिले। 5 मिनट के लिए और रख देंगे, जब चाहे तब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया मटर भी देखने में बढ़िया लग रहे हैं,
एक बार जरूर बनाना बनता है फ्रेंड। अब मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कितने सॉफ्ट और खिले खिले बने हैं। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, देखते ही खाने का मन करेगा आपको। छोटों से लेकर बड़ों तक तो बहुत पसंद आएंगे। देखिए ये गर्म इसलिए मैंने टिश्यू पेपर पे लिया है, आप चाहे तो कपड़े पर रख कर भी इसे दबा सकते हैं। आप घी में डुबो देंगे जिससे खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। वो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और भी रेसिपी टिप्स मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने मक्के की रेसिपी डाली हुई है, केक डाले हुए हैं, रागी के आटे की रेसिपी डाली है, मिलेट रेसिपी ज़रूर देखें। बारिश के मौसम में आप इसका एंजॉय करो जरूर करें। बनाए बताए कैसे बने, देखिए आप इसको डुबो देंगे। घी में डालने से और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो वैसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाए लीजिए, गर्मा गर्म चाय के साथ तैयार है दाल बाफले। कैसी लगी बाफले की रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड। बारिश के मौसम में अगर ये अलग सा नाश्ता मिल जाए तो क्या बात है, आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नई टिप्स और रेसिपी के साथ, हेल्दी टेस्टी रेसिपी आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँगी, आप मुझे सहयोग करते रहें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।